11th का अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 22 करवा रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं बार बार क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं। देख लिया कि क्या क्या है। अब पहला है कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए का। तो ये देखिए कैपिटल डल गया बैलेंस शीट में 1 लाख रुपया डल गया। उसके बाद क्या है, प्लांट मशीनरी बोल रहा है 40,000 का। तो प्लांट मशीनरी एसेट होता है, प्लांट मशीनरी डाल दिया मैंने 40,000 का। फिर यहाँ पर डेटर कह रहा है 24,000 का। ये देख लीजिए डेटर है 24,000 का, देख रहे हैं आप 24,000 का डेटर है। तो वो डेटर भी एसेट होता है, उसको भी बैलेंस शीट में डाल दिया है, डेटर भी डाल दिया 24,000 का, डन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिटर दिया हुआ है 12,000 रुपये का। क्रेडिटर है 12,000 का, तो उसको लाइबिलिटी में डाल दीजिए 12,000 क्रेडिटर। ये देखिए 12,000 का क्रेडिटर डाल दिए, ठीक। फिर क्या है, यहाँ पर ये फंसाने के लिए दे दिया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर ये नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम रहता तो उसको PNL में डेबिट करते हैं, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, यानी जो ओनर है, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार चल रहा है ना, यानी जो बिजनेसमैन है वो अपने लिए भर रहा है, यानी ये एक तरीके का ड्राइंग है। तो इसको कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। देखिए मैंने कैपिटल में से माइनस किया है इसको, ये देखिए ड्राइंग बोल करके माइनस कर दिया। बेसिकली क्या है, LIC को आप पेमेंट कर रहे हैं, क्लियर। अब देखिए परचेज है, तो परचेज कितना है आपको, अमाउंट परचेज का अमाउंट है 1,05,000 रुपया। तो परचेज तो आपको पता है ना कि ट्रेडिंग में जाता है डेबिट साइड में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में डाल दिए 1,05,000 रुपया। फिर क्या है, वेजेस है 50,000 का। वेजेस यानी मजदूरी, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी डाल दिए। फिर क्या है, बैंक, बैंक दिया हुआ है 10,000 रुपये का। तो बैंक आपको पता है एसेट है, बैलेंस शीट में डाल देंगे 10,000। ये देखिए बैलेंस शीट में डाल दिया है 10,000 रुपये, बैलेंस शीट का एसेट साइड है, बैलेंस शीट का एसेट साइड है ये, डन है। फिर क्या है, बोलता है उसके रिपेयर दिया हुआ है 500 रुपया। तो रिपेयर तो आपको मालूम है ना कि PNL का डेबिट होता है, तो PNL के डेबिट में डाल दिए रिपेयर 500 रुपये का। ये देखिए डल गया। फिर क्या है, ओपनिंग स्टॉक डला हुआ है 20,000। ओपनिंग स्टॉक में मालूम है आपको कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में डेबिट में, तो ट्रेडिंग में डेबिट में डाल दिए। और नीचे एडजस्टमेंट वाला क्लोजिंग स्टॉक है, वो भी डाल दिए, 14,500 का है क्लोजिंग स्टॉक, 14,500। और ये एसेट में भी जाता है बैलेंस शीट में, तो वहाँ भी लिख दिए, डन है। अब क्या है, अब है रिटर्न आउटवर्ड 5,000 का। तो वो परचेज रिटर्न होता है, परचेज में से माइनस कर देंगे। देखिए परचेज में से माइनस कर दिए 5,000, 1,500 था उसमें से 5 माइनस कर दिया, तो 1,00,000 बच रहा है। फिर क्या है, रेंट है 4,000 का, रेंट PNL डेबिट में डाल दिए 4,000। फिर सेल्स है, सेल्स है 1,64,000 का, सेल्स 1,64,000 का डाल दिए हैं ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड में। ये देखिए डल गया। फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 8,000 रुपये का। पता है आपको वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, देख रहे हैं ना आप, 8,000 रुपये का है, तो वो भी डाल दिए। ये देखिए डल गया 8,000 रुपया ट्रेडिंग में। फिर क्या है, ट्रेड एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस आपको पता है PNL में जाता है, PNL डेबिट में कर दिए 7,000 रुपया। ये देखिए PNL डेबिट में कर दिए हैं। उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स है, पैसा डूब गया आपका, उधारी लेकर के आदमी भाग गया 2,000 रुपया, PNL में डेबिट कर दीजिए। ये देखिए डाल दिए हैं PNL में। फिर क्या है, कैरेज, कैरेज के साथ कुछ नहीं लिखा है, यानी ऑब्वियसली ये कैरेज इनवर्ड है, 1,500 रुपया हो जाएगा, इसको डाल दिए ट्रेडिंग के डेबिट में, डल गया। फिर क्या, रिटर्न इनवर्ड है 4,000 रुपया, ये सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स में से माइनस कर लिए। अब सारा देखिए प्लेसमेंट हो गया,
एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक था वो भी डाल ही दिए, अब इधर वाला सारा जोड़ लिए तो ये सारा अमाउंट जोड़ेंगे तो 179,500 होता है, और ये मिलकर के 174,500 हो रहा, तो ग्रॉस लॉस आ गया 5,000 का। ये ग्रॉस लॉस को उठा करके पीएनएल में डाल दिए, ग्रॉस प्रॉफिट अगर होता तो यहाँ डालते पीएनएल के क्रेडिट में, लॉस हुआ तो यहाँ डाल दिए। ये सारा जोड़ लिया 18,500 हो गया, ये 18,500 हो गया नेट लॉस, और इसको क्या किए बाद में कैपिटल में से माइनस कर लिए, 88,000 था उसमें से 18,500 माइनस किया 69,500, क्रेडिटर और बीपी जोड़ दिए और ये आ गया आपका 88,500, यही है आपका आंसर, और इधर भी जोड़ दिए तो 88,500। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 बन गया। अब 23 कर लेंगे।